पद्मपुर उपनिर्वाचन तारीख घोषणा डिसेंबर जो 5 तारीख रे हेबो मतदान डिसेंबर 8 रे वोट गणति सह फलाफल घोषणा तारीख घोषणा कले भारतीय निर्वाचन कमिश्नर विधिवत भाबे तारीख घोषणा कले कमिश्नर एदिबाय नवंबर 10 तारीख रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो आ सेई दिन ठारु नामांकन दाखल आरंभ हेबो नामांकन दाखल रे शेष तारीख नवंबर 17 तारीख 18 रे जांच 21 नामांकन प्रत्याहार शेष दिन विजय रंजन सिंह बरियांक परलोक परे उपनिर्वाचन अनुष्ठित हेउछि पद्मपुर उपनिर्वाचन पर तारीख घोषणा पर राजनैतिक तत्परता बीजेडी पुणि थरे जितिबा ने आशावादी बीजेडी उपसभापति देवी प्रसाद मिश्र कहिछन्ते बीजेडी रो विकास रथ पद्मपुर धारावाहिक भाबे जिति आसी दल एथर भी आशीर्वाद पाइबो एथरे किछि दुविधा नै 2014 रे बीजेडी हातरु सीट खसी जाइथिला किंतु 2019 रे पुनर्बार जिति याकु भरणा करि परिथिला दल बीजेडी सरकार थिबारु लोके बीजेडी प्रति मन स्थिर करिवे दल काहाकु प्रार्थी करिवो सेने बीजेडी सुप्रीमो निष्पत्ति नेबे नवीनको निष्पत्ति अनुसारे दल लडिबो पद्मपुर जितिबो स्थानीय लोक प्रतिनिधि ओ जनतांक सह विचार विमर्श करि दल प्रार्थी स्थिर करिवो सबडे बीजेपी रो कहिबा कथा पद्मपुर उपनिर्वाचन पई दल संपूर्ण रूपे प्रस्तुत रहिछि गतथरो आम प्रार्थी बहुत कम वोट रे हारिथिले लंबा समय धरि लोके अवहेलित स्थिति रे अछंती मुख्यमंत्री को बीजेपुर दायित्व मोर कहिबा सत्व बीजेपुर रे विकास होइनी पद्मपुर वासी अति पाखरु एहाकु देखिछंती सांगठनिक दृष्टिकोण रु बीजेपी सेठी लडिबा पई पूरा प्रस्तुत पद्मपुर उपनिर्वाचन आमे निश्चित जितिबु दलर प्रार्थी किए हेबे केन्द्रीय संसदीय बोर्ड निष्पत्ति नेबे बोले बीजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन कहिछंती आखि बुझिले स्वाधीन भारतर प्रथम भोटर श्याम शरण नेगी जीवनर शेष भोट देवार दुई दिन पर आज सकाळे शेष निश्वास त्याग करिछंती 106 वर्षीय नेगी आसंता 12 तारिखर हेबाक थिबा हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पई गत 2 तारिखर पोस्टल ब्यालेट रे निज भोट दान करिथिले नेगी निजे मतदान केन्द्र को जाई भोट देवाक इच्छुक थे वयस्क भोटर किंतु स्वास्थ्य अवस्था खराब होवारु पोस्टल ब्यालेट रे तांको भोटदान व्यवस्था करा जायतिला एथि पई नेगी को घरे रेड कारपेट बिछा जेबा स तांको भोटदान रो व्यवस्था करा जायतिला या परे जिला निर्वाचन अधिकारी तांको सम्मानित करथिले नेगी निज जीवन काल रे 33 थर मतदान करिछथि नेगी को शेषकृत्य संपन्न पई जिला प्रशासन पक्षरु व्यवस्था होइतिला एथि स सम्मान पूर्वक तांको अंतिम संस्कार करा जिवो बोली प्रशासन पक्षरु कहा जायछि जुलाई 1917 जन्मित श्याम शरण नेगी 1951 रे स्वाधीन भारत रे प्रथम भोट देइथिले 1947 रे भारत स्वाधीनता पाइबा परे प्रथम थर 1952 रे साधारण निर्वाचन भोटिंग होइथिला किंतु पानीपाग खराब कारण रु 1951 रे 5 मास पूर्व रु हिमाचल किन्नौर जिला रे भोट ग्रहण करा जायथिला आसंता 10 तारीख रु दुई दिनिया ओडिसा गस्त रे आसुछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दायित्व नेबा परे प्रथम थर पाई निज जन्मबाटी को आसुछंती सेतिमें समस्त उत्साहित महामहिम को भेटिबा पाई किछि संपर्कीय रायरंगपुर आसिबे भुवनेश्वर से 10 तारीख पुरी गस्त पई व्यापक प्रस्तुति होईछि एथि पई छत्तीसा नियोग बैठक रे स्वतंत्र नीति निर्घंट करा जायछि 10 तारीख सकाळ 9:30 रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिबा परे 9:40 रे आईएएफ एमआई 17 रे पुरी अभिमुखे बाहरिबे दिन 10:10 रे ताळबणिया हेलीपैड रे पहुंचिबे 10:20 रे हेलीपैड रु बाहरि 10:30 रे श्री मंदिर रे पहुंचिबे श्रीमंदिर गर्भगृह 10:30 रु 11:00 भितर रहिछि दर्शन व्यवस्था 11:30 रे श्रीमंदिर रु बाहरि सिंहद्वार रे उत्कलमणि गोपबंधु को प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करिवे 11:50 रे राजभवन जिवे सेठारे मध्याह्न भोजन रो कार्यक्रम रहिछि यहाँ पर 2:10 रे पूरी ताळबणिया हेलीपैड रु आसी भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरिबे 2:50 मिनिट रे भुवनेश्वर रे पहुंचिबे पर अन्यन कार्यक्रम रे जोग देबे भुवनेश्वर रात्रि जापन सह 11 तारीख में विभिन्न कार्यक्रम में सामिल हेबे राष्ट्रपति 11 तारीख सका 9:00 से 10:00 एक घंटा धरी राजधानी दुईट स्कूल जबार कार्यक्रम रही से तत्पर गणशिक्षा विभाग सुंदरगढ़ में विधानतर जामकानी कोईला खणि प्रकल्प को विरोध भूमिपूजन को प्रबल विरोध कले स्थानीय लोके 2013 जमी अधिग्रहण नीति अनुसार क्षतिपूरण थैतान पुनर्वास चाकरी जामकानी झारपलम गिरीसीमा मेढ्रा गांव लोके भूमिपूजन को विरोध कर ग्रामवासी कहिबा कथा आमको उचित क्षतिपूरण दिया जाओ 18 वर्ष ऊर्ध युवक युवती चाकरी दि जाओ एथिसह स्थानीय लोकों सह आलोचना होती घटनास्थल में उत्तेजना लागि रही 16 प्लाटून फोर्स मुतयन होती अर्चना नाग गिरफ मामला आज भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट में जमीन आवेदन हेबो पुनः शुणी प्रयोजक अक्षय परिजा अभियोग मामलें गत 26 तारीख में शुणी करते कोर्ट पुनः शुणी आज दिन धार्य करा जाइथिला
पूर्वर खंडगिरी थाना मामलें अर्चना का जमीन खारज करते कोर्ट तेणु आज मामलें अर्चना को कोर्ट्रु जमीन मिलू कि ना ता समस्त नजर रही ब्लाकमेलिंग अभोग एकाधिक मामलें गिरफ हो जेल अच्छा अर्चना नाथ एसटीएफ पंजारे पेशादार वन्यप्राणी स्मग्लर नयगढ़ दसपुलू स्मग्लर भागवत माझी गिरफ कर एसटीएफ गिरफ अभुक्त दुईट बाघ छाल गोटे हरिण छाल जबत हो एथस बहु परिमाण वज्रकाप्ता काति उद्धार कर नयगढ़ कंधमाल भागवत यही बाघ छाल आनी एने अधिक तदंत जारी रहिबो चाकरी देवा नारे एक कोटी 47 लाख टंका ठकई एने जणे अभियुक्त को गिरफ कला क्राइमब्रांच ईओडब्ल्यू गिरफ अभियुक्त ना जयंत रावल पूर्व यह घटना दुई जन को गिरफ कर अभियोग कंबाइंड पुलिस सर्विस 2013 सप्लीमेंटारी सिलेक्शन लिस्ट ना रही 38 जन को ठकी बादल कुमार रावल अभियोग को भित्ति कर ईओडब्ल्यू तदंत कर बैकुंठनाथ नायक भीमसेन महाराणा जयंत नारे मामला रुजु कर पूर्व बैकुंठ और भीमसेन गिरफ होते ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा कंबाइंड पुलिस सर्विस नारे 38 जन परीक्षा देते पूर्णमी में चंद्रग्रहण पुणी हेबो कि बिरियानी विवाद सूर्यपराग पर चंद्रग्रहण में भी हेतुवादी संगठन बिरियानी पार्टी आयोजन करेंगे और वेज ननवेज बिरियानी पार्टी आयोजन करेंगे फ्री थॉट पार्टी ऑफ इंडिया और मानववाद संगठन धार्मिक संगठन और ब्राह्मण समाज पक्षर विरोध को खातिर नक निज इच्छा खाइबार अधिकार अच्छी कहते दुई संगठन कर्मकर्ता राजधानी सह राज्यर विभिन्न स्थान में सामूहिक भोजन पर खाद्य रंधा मेन्यू में निरामिष आमिष भी रक निषेध बेले रोष कर खावाक देवे फ्री थॉट पार्टी ऑफ इंडिया और मानववाद संगठन डाक्तर वैज्ञानिक बुद्धिजीवी समाजसेवी वाम चिंताधारा व्यक्ति विशेषज्ञों छात्र छात्री को निमंत्रण आप्यायित कर यहां जो विरोध करुंटे लोकों मिथ्या कथा कही भुआ बुलाउंट संगठन कर्मकर्ता सूर्यपरागर बिरियानी पार्टी करते हेतुवादी संगठन तेणु बाद बिवाद हुहाला होता विभिन्न फोरम में मुहांमु होते सपक्षवादी विपक्षवादी चंद्रग्रहण में पुणि थे हुहाला होगा संभावना रही आसंता पांच दिन पर्यंत तापमात्रा विशेष परिवर्तन हेबो नाही पानीपाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र आसंता 24 घंटा मध्ये दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे वर्षा होई पारे पूर्वा वायु प्रभाव रे दक्षिण ओडिशार कोरापुट मालकानगिरी रायगडा गजपति रे मध्यम धरणर वर्षा होई पारे अन्य सब जि पाग रहिबो सुखिला आसंता पांच दिन जाय तापमात्रा विशेष परिवर्तन हेबोनी एम्स दलाल गिरफ होती भुवनेश्वर 12 जन दलाल को गिरफ कला खंडगिरी थाना पुलिस हस्पिटाल को दलाल मुक्त करने को चली स्पेशल ड्राइव रे खंडगिरी पुलिस दलाल को गिरफ कर रोगी को सहायता आल लुट कर गिरफ होती दलाल समस्त दलाल को विरोध में रही टिकेट दलाली अभियोग रोगी सेवा जोगाई देवा आल रोगी टिकेट करदे बदल माने हतौते मोटा अंकर टंका एम्स हस्पिटाल समस्त सेवा निःशुल्क संपर्क शोषण कर चली आगक एम्स डाक्तरखाना को दलाल मुक्त हो पुलिस हस्पिटाल कौन दलाल को छड़ा आसंता धामनगर उपनिर्वाचन फलाफल जमापड़ पांच जन प्रार्थी भाग्य किए पिंधि धामनगर मुकुटता को नहीं लग रही कल्पना जल्पना एवं कड़ा सुरक्षा भितर ईभीएम जिला प्रशासन पक्षर ईभीएम रोकता स्ट्रंग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रही इनर कर्डन को सीआरपीएफ मुतयन रही मिडिल कर्डन को स्टेट आर्म फोर्स बाह्य बल को जिला पुलिस जगी पूरा सीसीटीवी बल स्ट्रंग रूम आसंता खोल स्ट्रंग रूम ईवीएम कह धामनगर बाजी का हार सका 8 भोट गणति आरंभ हो 14 टेबुल 18 राउंड हो गणति गणति भद्रक संस्कृति भवन सब व्यवस्था कर 252 बूथ में भोट प्रक्रिया होव 18 राउंड प्रशासन 14 टेबुल प्रस्तुत कर एथर धामनगर में भोट पड़ी 69.02% 1,63,000 लोक भोट देता बेले भितर अच्छा 85,452 महिला भोटर 79,011 पुरुष भोटर एने सूचना देते मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि गुरु गरुड़ उत्तापन द्वादशी पंचुकर दिन द्वितीय दिन में महाप्रभु स्वतंत्र बांक चूड़ बेश अनुषित होती श्रीमंदिर में बेस भिड़ जमी व्रतधारी
ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତି ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପହୁଡ଼ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚୁକର ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଠିଆକିଆ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟହ ଅବକାଶ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସହ ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ମସ୍ତକରେ ପାଟବସ୍ତ୍ରରେ ଟୋପି କରାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିଆ ଖଞ୍ଜାଯାଇ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଅଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗର ଅଭିଯୋଗ। ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ। ରାଗିଙ୍ଗ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା ଆସୋସିଏସନ। କଲେଜ ସିନିୟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ତିନି ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିନିୟରମାନେ ରାଗିଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ସିନିୟରମାନେ ଅଜଣା ନମ୍ବର ଜରିଆରେ କଲ୍ କରାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜର ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବହି ପୋଷାକ ନେବାକୁ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ୱାର୍ଡ଼ନ ଓ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ ସହଯୋଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଓଲଟିଲା ଡିଜେଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ବେଦବ୍ୟାସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡିଜେଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ବେଦବ୍ୟାସରୁ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଜରାସ୍ତାରେ କୁମ୍ଭୀର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଭିତରକନିକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଜୁଣଗଡ଼ି ଘଡ଼ିଆମାଳରେ ରାତିରେ ଏକ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିକି ଏକ 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବର କୁମ୍ଭୀର ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। 500 ମିଟର ଧସିଲା ନଦୀବନ୍ଧ, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ନର୍ଥ ଡିଭିଜନ ଜଗତପୁର ଅଧୀନର କଣିମାଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁଆ ସଠିଲ ଲୁଣା ନଦୀବନ୍ଧର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଓ ନଦୀରୁ ବାଲି ଖନନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଥିସହ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଧ ମରାମତିର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଡ଼ି ଗାଁରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ଆକ୍ରମଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 90 ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁ। ଗାଁର ରବି ରାମନାଥ ଓ ବି କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୁହାଳଙ୍କ ଘରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି ରଖିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ଆକ୍ରମଣରେ 63 ଛେଳି ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ତିରୁପତି ରାଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ପ୍ରାଣୀଧନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଛେଳିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ମୃତ ଛେଳିର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛେଳି ଚାଷୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ ଛେଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଶାହରୁଖ ଖାନ ଅଭିନୀତ ପଠାନର ଟିଜର 2 ନଭେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଶାହରୁଖଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଟିଜର ରିଲିଜ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଜନ ଅବ୍ରାହମ୍ ବି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ୟଶରାଜ ବ୍ୟାନର ଫିଲ୍ମ ଶାହରୁଖ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏପଟେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ବୟକଟ୍ ନେଇ ଦାବି କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ବଲିଉଡ୍ର ଫିଲ୍ମକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ବୟକଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଠାନ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି। ଟ୍ୱିଟରରେ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବୟକଟ୍ ପଠାନ ଉପରେ 2 ଦିନ ହେବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ୟୁଜର ଟିଜରର ବିଏଫ୍ଏକ୍ସକୁ ନେଇ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସଲମାନ କି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତ ପ୍ରତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫିଲ୍ମର ଖରାପ ସିଜିଆଇ ଓ ଲଜିକ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଏଫ୍ଏକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ହେବା ପରେ ବି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଅନେକ ୟୁଜର ଫିଲ୍ମରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଥିବା ନେଇ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହାଲୋଇନ୍ର ରାଣୀ ଭାବେ ସୁପରିଚିତା ସୁପର ମଡେଲ ହାଇଟି କ୍ଲମ୍ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିଜର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ 49 ବର୍ଷିଆ ହାଇଟି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ତାଙ୍କ 21ତମ ହାଲୋଇନ୍ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କୋ
कोविड 19 महामारी गत दुई वर्ष है बहुप्रतीक्षित हालवीन आसर आयोजित हो पार तेणु एथर हाइटी के रूप धारण करेंगे से नहीं उत्कंठा था से एक विशाल बास्तविक जीआर अवतरण धारण कर ब्लू कार्पेट्रे चली स्वामी टॉम काउलिटिस जने मछधराली भाव बंशी से जीआर रूपी हाइटी को थोप पक व्यवहार कर देखा एक किट कस्ट्यूम प्रस्तुत पर यार निर्माता को एकाधिक मस लगी स्वतंत्र भाव निर्मित कृत्रिम कस्ट्यूम टी मुंडर गोड़ जाए धारण करने पर हाइटी को कई घंटा मेकअप चेयर में बस पड़ा उद्भट चिया भाव से निज पार्टी में जोगद एक कस्ट्यूम मध्य केवल आखि और पार्टी बाहर को दिशुला अतर से एलियन वृद्धा हिंदू देवी काली प्रजापति क्लियोपाट्रा विकटाल दिशुवा मणिषर रूप धारण कर लोकों आश्चर्य करे थर जिया रूप पूर्व सबु रूप को अतिक्रम कर सबुठ उद्भट तथा भयंकर हालोवीन कस्ट्यूम्र दावीदार होता अनेक लोक मत दे पुणि थे भारत को टार्गेट कले नेपाल पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा बोली देखाइले नाली अखि निर्वाचन प्रचार बेले कहले गादी को फेरिले भारत अधिग्रहण करथिबा काला पानी लिपुलेख लिंपिया धुरा देश को फेरिबो आमे इंचे भी जगह भारत को छाड़बू ना पश्चिम नेपाल निकटवर्ती भारत सीमावर्ती धारचुला जिले में निज कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार बेले अल्ली कहले आमे कालापानी लिपुलेख लिंपिया धुरा को फेराई आनी देश में मिसाइबू आसंता 20 तारीख में होगाक निर्वाचन में आम दल फेरिले उक्त अंचल सबू पुणि थे देश को फेरिबो नेपाल कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा कहते कूटनैतिक नीति आधार कब्जा होता नेपाल अंचल को फेराई आने को चेष्टा जारी रही या राजनीति करने उचित नुहे राष्ट्रीय अखंडता को निर्वाचन एजेंडे सामिल न करने को नेपाल पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टाराय वकिलों को परामर्श देते इमरान खान को आक्रमण और अभोग को नहीं तदंत कर सेना पाकिस्तानी सेना यार अधिकारी भावमूर्ति क्षुण्ण अभोग तदंत हो कार्यानुषान इमरान खान अभोग स्पष्टीकरण दे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई आईएसआई कही जड़े वरिष्ठ सेनाधिकारी विरोध में पीटीआई अध्यक्ष एक प्रचार अभोग संपूर्ण भित्तिहीन और अवांछन पाकिस्तानी सेना अति प्रोफेशनल उशृंखलित एक उत्तर दायित्व व्यवस्था अच्छी कौन प्रकार अवांछित विशृंखलित कार्य सह जड़ित नुहे जदि यार अधिकारी सम्मान सुरक्षा को मंदे उद्देश्य रखि कहीं लांछित कै तेज यार रक्षा कर सेना तेणु इमरान को प्रकार मंतव्य को सेना निंदा करुच्ची प्रेस रिलीज्रे कह एपटे इमरान खान को उपरे आक्रमण पर सारा देश में हिंसा व्यापी इस्लामाबाद में लॉकडाउन जारी लाहौर कराची मुल्तान क्वेटा रावलपिंडी पेशावर देश में बड़ बड़ सहर में लोके रास्ता ओह्ल सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसा रूप ने प्रदर्शनकारी इमरान खान को समर्थन में नाराबाजी करने भंगा रुजा पोड़ाजुला कर मुख्य रास्ता को अवरोध कर इमरान को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर्मी और समर्थक लागोरे गवर्नर हाउस बाहर पोड़ाजुला कर सेना मुख्य जनरल कमर जावेद बाजवा को टार्गेट कर सुरक्षाकर्मी विभिन्न स्थान में ब्यारिकेड करने सैनिक प्रदर्शनकारी गिरफ्त कर घोड़ाइवाई रबर बुलेट और लुह बुहा गैस प्रयोग कर गुड़माड़ को नहीं हस्पिटाल बेड्रू मुह खोलें पाक पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान शुक्रवार रात में लाहौर चिकित्साधीन अवस्था इमरान दे बड़ सूचना दिनक आगू जनाला षड्र मारिदे उद्यम होता से जानते बंद कोठोर में होता हत्या षड्र इमरान यार वीडियो मोब निकट में रही देह चार गुड़ बाजी दल नेता भी फोन में धमक दि जाऊँगी डाक्तखाना चिकित्साधीन अवस्था इमरान गणमाध्यम को संबोधन कर एभली कंपन सृष्टि पाकिस्तान में सरकार को लोकने भोट दे क्षमता को आते सरकार एवं पुणी भांगिदे लोके पसंद करूना लोकने वर्तमान सरकार को बिल्कुल पसंद करूना यह सत्वे सरकार निज निष्पत्ति लोकों पर लदिदे चेषा कर पाकिस्तान सरकारी एजेंसी माने गणतंत्र को चलने को देना पाकिस्तानी सांबादिक अरशद शरीफ को हत्या को लोके केबे भी क्षमा करिबे नहीं गुजरात ओजीराबाद में रियल फ्रीडम राली करुवा बेले इमरान उपरक गुड़माड़ होता गोड़ में गुड़ बाजिवर से आहत होते गुलिकांड पर पाकिस्तान केतेक स्थान में हिंसा होता
ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭାବାନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ କହି ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରୁଷର ଏକତା ଦିବସରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାବେଳେ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 150 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥିପାଇଁ ମେଧା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ପୁଟିନ ରୁଷୀୟ ଭାଷାରେ ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 27 ଦିନ ଭାଲ ଦାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିସ୍କସନ କ୍ଲବରେ ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କହିଥିଲେ, ମୋଦି ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶପ୍ରେମୀ। ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଅନେକ କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ୟମ। ବାସ୍ତବିକ ଭାରତ ତା'ର ବିକାଶରେ ପ୍ରଗତି କରିଛି, ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ। ଏହାଛଡ଼ା ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ହେଉଛି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ବହୁ ଧର୍ମୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ଏହାର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଭିନବ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ୟୁରୋପ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛି ଆମେରିକା। ପ୍ରାୟ 400 ନିୟୁତ ଡଲାର ପ୍ୟାକେଜରେ ଆମେରିକା T-72 କମାଣ, ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଫିନିକ୍ସ ଘୋଷ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥିବା ପେଣ୍ଟାଗନ୍ କହିଛି। ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜରେ ରହିଛି 1100ଟି ଫିନିକ୍ସ ଘୋଷ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍, 40ଟି ବୋଟ୍, 250ଟି M1117 ଯୁଦ୍ଧ ଯାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବା ସହ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିରାପଦ ରହିବା ଯାନ, ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଜର୍ମାନର ଲେପର୍ଡ ଅଥବା ଆମେରିକାର ଆବ୍ରାମସ୍ ଭଳି ସର୍ବାଧୁନିକ କମାଣ୍ଡ ଆଗରେ T-72 କମାଣ୍ଡ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ 45 T-72ର ଆବଶ୍ୟକତା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସରକାର ବି 90 T-72 କମାଣ୍ଡ ଯୋଗାଇଦେବେ। ଚୀନ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କଟକଣା ଜାରି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମେ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଯାହା ଥିଲା, ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୁବାର ଦେଶରେ ନୂଆ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା 3800 ଗୁରୁବାର ତୁଳନାରେ ଯେଭଳି ବୁଧବାର ସଂକ୍ରମଣ ତୁଳନାରେ ଗୁରୁବାର ବଢ଼ିଛି 22%। ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ଗୁଆଙ୍ଗ ଝୁ ସହରରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠି ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲା ଆସିବା ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁକ୍ରବାର 572ଟି ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ କରୋନା ନୀତି ସପକ୍ଷରେ ଚୀନରେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଡ଼ା କଟକଣା ସହ ହଟିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କରିବା, ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଠାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟ୍ୱିଟରର ଗଣ ଛଟେଇ। ଭାରତରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ବସ୍ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ବି ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ 7500 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଭାରତରୁ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଟେଇ। ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ୱିଟରକୁ $44 ବିଲିୟନ୍ରେ କିଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଧନୀ No. 1 ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ମସ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ବିରୋଧରେ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆମେରିକାର ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଗଣ ଛଟେଇ କରିବ ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ 60 ଦିନର ନୋଟିସ୍ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାହା ଅନୁପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି ଓ ନିଜ ମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ମେଲ୍ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆନଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମେଲ୍ ଆଇଡି ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅମୃତସରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶିବସେନା ତକ୍ସାଲି ନେତା ସୁଧୀର ସୁରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଅମୃତସର ମାଝିଥା ରୋଡ୍ରେ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ସୁଧୀର ସୁରୀ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ସୁଧୀରଙ୍କର 12 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ୍ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସୁଧୀରଙ୍କ ଉପରେ ବାଜିଲା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 5ଟି ଗୁଳି। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୁଧୀର ସୁରୀ। ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିକି ସୁଧୀରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ 3 ଜଣ ଏସ୍ୟୁଭିରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି।
सेपटे हत्याकांड पर अमृतसर में जोरदार होई विक्षोभ घटना को कौन प्रकार सांप्रदायिक रंग नदी शांति बजाय रखा लोकों अनुरोध कर पंजाब पुलिस तबे पुलिस सुरक्षा रही सिद्धू मुजेवाला दुर्वृत्त मैंने सर्वसाधारण गुड़ कर हत्या करते राज्य में गोटे पर गोटे गुलिकांड को नहीं भगवंत सिंह मान सरकार को दायी करते विरोधी टी ट्वेंटी विश्वकप्र एक गुरुत्वपूर्ण मैच आज खेल ग्रुप ए मुहांमुही हे श्रीलंका और इंग्लैंड इंग्लैंड मैच बेस गुरुत्वपूर्ण कारण जीतिले सेमी को उन्नीत हो और हारे टूर्नामेंट विदा हो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल को जीव ग्रुप ए न्यूजीलैंड प्रथम दल भाव सेमी को उन्नीत हो सारी और द्वितीय दल भाव किए सेमी में स्थान पक्का कर निष्पत्ति ऑस्ट्रेलिया सात पॉइंट सह द्वितीय स्थान में रही बेले दलर रन रेट माइनस 173 रही इंग्लैंड पांच पॉइंट पाई तृतीय स्थान में अच्छी दलर रन रेट प्लस 547 अच्छी श्रीलंका चार पॉइंट पाई और सीधा सड़क हिसाब सेमिफाइनाल को जवाक इंग्लैंड श्रीलंका को हर पड़ भारतीय दलर पूर्वतन अधिनायक निर्भरजोगी बैटर विराट कोहली आज जन्मदिन 34 वर्ष पदार्पण कले कोहली 2008 पदार्पण करने पर 14 वर्ष धरी से भारतीय क्रिकेट प्रमुख खेला भाव रही आस महेन्द्र सिंह धोनी अधिनायकत्व भार ग्रहण करने भारतीय दल को एक नंबर स्थान में पहुंचाइबा सबुठ बड़ उपलब्धि नेतृत्व चाप अधिक रोथ बैटिंग से अधिक ध्यान केन्द्रित करते जहाँफल से अधिक आक्रमणात्मक हो खेल बैटिंग पाली आसिले बोलरों भितर भय खेली जा दर्शकों भल मनोरंजन होट पर आधिपत्य को देखी सामयिक गणमाम किंग कोहली आख्या दीजाई जीवन रे शिखर पहुंची सारे भी सप्रशंसकों भाव विनिमय रही पुराणा भली बर पूर्व अपेक्षा से अधिक प्रशंसकों पाखे पहुंचुंट विश्वकप अस्ट्रेलिया अच्छा कोहली